नोटबंदी से नाराज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ममता बनर्जी ने गुरुवार को ऐलान किया कि उनकी पार्टी 1 जनवरी से मोदी हटाओ देश बचाओ नारे के साथ सड़क पर उतरेगी। ममता बनर्जी ने कहा कि भारत में 92% ग्रामीणों के पास कोई बैंक नहीं है। केंद्र सरकार देश को नकदी विहीन करने के बाद चेहरा विहीन हो गई है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले बहुत सारे लोग घर लौट गए। नोटबंदी के बाद करीब 10 करोड़ लोग नौकरी गंवा चुके हैं। ममता ने कहा कि हम नोटबंदी से नौकरी गंवाने वाले लोगों की सूची तैयार कर रहे हैं, यह सूची राष्ट्रपति को भेजेंगे। प्रधानमंत्री का नाम लिए बगैर ममता ने कहा कि अलीबाबा और उनके 4 सहयोगी सभी फैसले ले रहे हैं। अलीबाबा और उनके 4 सहयोगी ही देश की जनता, अपनी पार्टी और सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भगवान ही जानता है क्या क्या फैसले लिए गए। इस दौरान ममता ने गुजरात दंगों को लेकर भी पीएम मोदी को घेरा। ममता ने कहा कि देश ऐसे व्यक्ति के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है जिसने सांप्रदायिक दंगों के साथ ही राजनीति की शुरुआत की। आपको बता दें कि गुजरात दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे कहा था कि आपने राजधर्म नहीं निभाया। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार के नोटबंदी के फैसले से काफी खफा हैं और इसीलिए अब उन्होंने मोदी के खिलाफ अभियान चलाने का फैसला लिया है। हालांकि इससे पहले भी ममता दिल्ली में नोटबंदी के खिलाफ कई रैली कर चुकी हैं। देखते रहिए डीबी लाइव।